क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन वाले मामलात 62-63 के अंदर रखे जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन पता चला है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जुर्म किया था वो जुर्म के मुर्तकिब और कोई नहीं हो सका। वो मिस डिक्लेरेशन है या नहीं है वो पूछते हैं अभी आरिफ साहब से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये ख्वाजा आसिफ साहब का भी वो केस नहीं है, इनका भी वो केस, शेख रशीद साहब का भी नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, इलेक्शन के इस माहौल में मुझे, हम रमज़ान तो भूल ही गए कि जो है रमज़ान का महीना है, क्योंकि इस इलेक्शन में जिस तरीके से जाती जो है किसी किरदार कुशी तक बात आ गई है वो थोड़ी सी जो है ना मेरे लिए तश्वीश का बायस है। अब अदलिया कैसे फैसले करती है, उस फैसले के ऊपर क्या मैं तनकीद का हक कितना रखती हूँ कि ख्वाजा आसिफ के लिए ये फैसला आए तो शादियाने बजें और शेख रशीद के लिए आए तो एतराज़ात हों। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हों और वो ये कहें कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्यों, मुझे क्यों निकाला। देखिए बात ये, अब तो पूरी कौम पूछ रही है कि आप बताएं कि आपको क्यों निकाला, आप ये असासे जो है इनकी मनी ट्रेल क्यों नहीं दे सके, आप बताएं कि आपको डॉक्यूमेंट टेम्परिंग की जरूरत क्यों पेश आई। वो कहते हैं मेरा है कुछ नहीं, मेरे असासे उससे मेरे पैसे पूछे कि क्या पूछते हैं, वो कहते नहीं मेरे पास, मेरा तो कुछ भी नहीं। वही तो वही 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 अब्बा जी की दी थी, आगे चली गई उनके पास। देखें जब ऐसा वक्त आ जाए ना, वही मैं कहती हूँ कि आज जो है मॉरल ग्राउंड इतने लो है कि अपनी सियासत के लिए जब ऐसा वक्त आ जाए कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अब्बा जान को, कि अब्बा जान चले गए, आपने कुछ खाते अब्बा जान के नाम पे डाल दिए, कुछ अपने बच्चों के नाम पे डाल दिए, हम अपनी औलाद को देखते हैं नज़र से दूर है, फिर भी अगर एक एक लम्हे का पता होता है कि बच्चों ने क्या खर्च किया, क्या उनके अखराजात हैं, यहाँ बच्चे जायदादें बना लेते हैं, वालदेन को पता नहीं होता, वालदेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, वही बच्चे आपके फॉरेन नेशनल हैं, बिलियन